डेविएशन काटना बेटा आपने इस प्रिज्म का। ए ये रहा बेटा आपका प्रिज्म, ये रहा दैट इज द प्रिज्म, ठीक है बेटा ये प्रिज्म है। और इसको साफ करने का मैंने तरीका बता रखा है बेटा, ये साफ वैसे नहीं होता, ये हमेशा किससे साफ होता है, किससे साफ होता है बेटा, ये कागज से, किससे, कागज से साफ होता है। ये मत करना कि आप कभी सोचो इस पर साफ करो, ये नॉर्मली ठीक है सिस्सा, हाँ कागज से होता है बेटा। तो आपने ये प्रैक्टिकल है बेटा, ये रीडिंग पढ़नी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना लेना 35 डिग्री 40 45 50 50 50 50 मतलब कि आगे ना एंगल, ये यहाँ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा 35 40 45 50 आप रीडिंग लो, आपकी टेबल ये बननी चाहिए ग्राफ किसके बीच में बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि डेविएशन मैं निकालूंगा बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा अंदर आएगा, प्रिज्म के मैंने बताया बेटा डेविएट अंदर से होगा बेटा, उसका आसान सा काम क्या बेटा प्रैक्टिकल का सब। ये तो क्या है बेटा आपका ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए भी, भाई ये क्या है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। इसके लिए जो हमें पेज दे बेटा, ये व्हाइट पेज है, ये व्हाइट पेज है बेटा, ये चाहिएगा हमने। सेकेंड हमने ये चाहिएगी बेटा, ये क्या होती है ड्रॉइंग पिन, क्या होती है बेटा ड्रॉइंग पिन। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये ड्रॉइंग पिन है, यहां से एरिया कम यहां ज्यादा क्यों, क्योंकि बेटा ऐसे डालेंगे तो एरिया ज्यादा है तो फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, क्या होता है बेटा P इज इक्वल टू एफ बाय ए होता है। यदि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्यों होगा कम, तो हमारे घूमठे पे हमारे हाथ पर प्रेशर कम लगेगा उल्टा, समझ गए। लेकिन यहाँ एरिया क्यों है इसका कम, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, लेकिन कहाँ जानती है प्रेशर ज्यादा एकदम इजीली चल जाओगा, तो इसलिए एक तो ये। दूसरा बेटा हमने इसमें लेना है, तीसरा सामान लेना है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है ऑल पिन, क्या बेटा ऑल पिन है, ठीक है। वो स्केल और डीज तो आपने लेनी है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करना, सुनो बेटा सभी बच्चे ध्यान से, इस पेज को रख के यहां आपने चार कोनों पे ये लगा दीजिए बेटा, ड्राइंग पिन लगा दीजिए। इसका मतलब बताऊंगा क्यों लगाया जाता है, ताकि जब आप इस पे काम करो आप ये ना सरके, समझ गए बेटा, ये ना हिले, ठीक है बेटा, इसलिए लगाई जाती हैं ये, समझ गए, ये पता होना चाहिए कि ये क्यों लगाई जाती है। लो बेटा हमारा रेडी, अब हम करते हैं बेटा सबसे पहला काम क्या बेटा, आसान तरीके से करेंगे हम आज। एक आपने ना लाइन खींच लो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए बेटा, ये लो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिया आपने, ये देखिए मैं पहले एक कराता हूं फिर आप अपने आप करते रहना, बाद में दो प्रैक्टिकल मैं करा देता हूं। लाइन लगा के बेटा ए यहां ये प्रिज्म रख दो, ठीक है बेटा, ए ये देखना बाउंड्री बेटा, मतलब इसकी बाउंड्री बनानी है हमने, तो रख के इस लाइन पर रख के इसकी बाउंड्री बना लो बेटा, ऐसे ए यहां रख के आते बेटा ऐसे, ताकि ना हिले बेटा, ये अब इसने उठा दो, बन गया बेटा बन गई। यहां आप सीधा नॉर्मल ये क्या बनाओगे बेटा, नॉर्मल ऐसे, ठीक है बेटा ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया। अब आराम से ना अपने आप चुपचाप खुद आपने क्या करना बेटा, क्या का एंगल है 35 का, आप 30 से स्टार्ट करो, किससे करेंगे स्टार्ट बेटा 30 डिग्री से, ए लो बेटा यहां डी रखी, ए लो बेटा 90, ए 30 का बेटा ये रहा, ठीक है जी बेटा लग गया पॉइंट, 30 का एंगल बना दिया आपने। अब एक बार करने के बाद बेटा फिर बनाकर देख रख के देख लेना दोबारा से, भई ये कितने का बन गया आपका 30 डिग्री का बना भी है कि नहीं बना है बेटा, प्रकार तो बेटा इतना टाइम लगाओगे तुम फायदा क्या है ना, ना ना सुनो बेटा ये बन गया आपका 30 डिग्री का, ठीक है बेटा, क्या डिग्री का बेटा, यो 30 डिग्री का। एव आपने क्या काम करना बेटा, दो ड्राइंग पिन लो हाथ में ऐसे, ये ऑल पिन, आल पिन लेके बेटा यहां स्ट्रेट लगा दो, क्या लगानी है बेटा स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी इस लाइन पर स्ट्रेट कर दो बेटा खड़ी,
एक ये कर दी बेटा आपने, ये दो होगी बेटा, ये थोड़ी सी ना इसका जरूरत लग रही है बेटा, ए रस्टीड है वो थोड़ी सी, ए ये ले लो बेटा। स्ट्रेट ऑन बेटा ये दोनों, ठीक है जी, होगी। अब क्या करना बेटा, दोबारा रख दो इसकी बाउंड्री में इसको, रख दिया। अब यहां देखना है इस फेस में, दो पिन उठा लो बेटा हाथ में, दो पिन हाथ में उठा के जहां अपने सीधी नजर आवे उनकी सीध में, जहां इनकी इमेज, इन दो की इमेज इसमें देखनी है आपने इस फेस में, जहां अपने सीधी नजर आओ ना में उनकी सीध में ये लगा दो, यहां नहीं देखना बेटा आपने, यहां देखना है, यहां इस फेस में। मैं एक बार मैं कर लेता हूं बेटा, मैं देखता हूं। हाँ 30 पता बेटा आन रहा है ये दूर ऐसे, यहां आ रही है बेटा 30, यहां आ रही है, यहां रही बेटा। आज अब देखो ध्यान से, आज देखो इस फेस में देख नीचे, ओके बेटा ऐसे नहीं दिखेगी इसके नीचे, देख काम हो जाए यहां पे, आगे ना आओ ना आगे ना, निंगा तो दोनों अलग अलग है सीध में बेटा, ये यहां से देखो ना बेटा ऐसे इस फेस में देखनी, इसमें निंगले फेस में देखनी बेटा, दिखाई देंगे बेटा ऐसे नहीं बेटा, देख बेटा दिखाई दे रही है, लेने साफ करिए बेटा दूसरा रास्ता, ओ कहाँ का चले, हाँ इसमें क्या पानी का भाई, कारे पानी के लोग पानी में उसका तो साफ हो गया बस, देखो बेटा आपने पहले जैसे रखा था ये, आप बाउंड्री चेंज हो रही है, ठीक है ना, इसका मतलब हमने चेंज कर रखा, फिर देखो कहाँ इसकी बाउंड्री जैसे आपने बनाया था ऐसे ही फिक्स हो जाए बेटा, सेम ये रहे, ठीक है बेटा। अब आपने मैंने बोला था बेटा ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ बेटा, आपने इस फेस में इसको हिलाना नहीं है, आपने इस फेस में यहां इस फेस में इस वाले में ऐसे देखोगे तो मैं अलग अलग दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं इस फेस में इधर वाले में दोनों सीध मोजेंगी एक साथ सामने, तो ये देखिए बेटा मैं लगा देता हूं एक बार फिर, आप चारों पिन देख लेना, और मेन क्या बेटा नीचे से देखना है इनका बेस देखना, देखो इन्हें देखो निंगे दे देखोगे तब बिचारो सीधी, निंगे दे देखो तब बिचारो सीधी, मतलब कि एक ही दिखेगी अलग अलग नहीं दिखेगी, एक ही दिखेगी सीधी सी दिखेगी, एक दिखेगी बेटा जो सारी हाँ सारी एक दिखेगी, जो अलग अलग दिखेगी इसका मतलब सीधी, यहाँ देखो यहाँ ना देखो देख नहीं अनु बैठ रहे बेटे यहाँ इस साइड बेटा, इन्हें चारों में देख ले मुझे क्यों इतना सीधी, हाँ जी चारों सीधी नजर आएगी देख नहीं दिखेगा नहीं देख पास तो देख मैं चश्मा लगा देख सुना मेरी बात, ये ना देख इन ना यहाँ देख तना एक ही नजर आओगी बस, या मतलब अलग अलग नहीं है ये एक है, देखो बेटा तुम भी देख रहे फटाफट देखिए दिख रही है ना बेटा, एक मिनट सुनो कुकर दिख रही है यहाँ पे, यहाँ ये यहाँ बेटा ये यहाँ ये वाले दिख रही है, ये होगी यू पॉइंट है जिस पे बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है एक मिनट सुनो
सुनो अब बेटा, अब हमारा काम ये ना रखो, एक मिनट ये ना पिन्ना निकाल दो बेटा, ये तो हमने चल बना ही रखा था, मैं नहीं हुआ बेटा, जब इन्हें निकालोगे यहाँ डॉट लगाओ, लगा दो बेटा, अब क्या करो बेटा, इसको जो इंसिडेंट थी उन्हें भी आगे ले आओ, इंसिडेंट ने बेटा आगे ले आओ, डॉटेड आएगी ना क्योंकि इमेजिनरी है, तो आगे बढ़ा रहे हम, अब इसने ले जो इन्हें पीछे बढ़ा दो बेटा, इन्हें कहीं ना कहीं मीट करेंगे आपस में, ये रिफ्रैक्टेड तो ये आई राइट है, इंसिडेंट ये थी, ये चली गई, तो ये क्या एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, तो कितना बेटा वो माप लो, यहां रखो डी, यू आ गया बेटा आपका टॉपिक, कितना बेटा यो 40, 45, 40, 47, कितना है बेटा 47 डिग्री आ गया, 47 क्लियर है बेटा। एक दूसरा काम कहता था बेटा, इसी पाप ने क्या करना है, इसी पाप ने ए लो कहीं पर भी, ए दोबारा से बेटा, ए ठीक है बेटा, ए यहां क्या बनाओगे परपेंडिकुलर, नॉर्मल ले लो बेटा, नॉर्मल आ गया, इसके साथ कितने डिग्री का 35, ए डी टू टी बेटा, कितने डिग्री का बनाना बेटा 35 डिग्री का, ये लो बेटा 30 और ये 5, 35 ये लो बेटा, ये 35 डिग्री का, तो इसका यहाँ ये लो जी, ये कितने का बेटा 35 आई की वैल्यू, ठीक है बेटा, ये 35 डिग्री का, अगर के काम करना था बेटा, बताया था मैंने, इस पे क्या करोगे, क्या लगाओगे, दो ऑल पिन लगा लीजिए बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट ये लो बेटा, ठीक है जी, दोनों स्टेट है बेटा, अब ये दोबारा रखेंगे बेटा यहाँ, और किस फेस में तो बोलिया था बेटा मैंने, किस में तो बोलिया बेटा, किस में से बोलिया था, प्रिज्म में से, इस फेस में, ठीक है ना बेटा, इस फेस में जब ये नजर आवे सीधी वहां ये पिन लगा देनी है, और इसको उल्टी मत पकड़ लेना, कल या उल्टी पकड़ कर गाड़ लग जाओ, ये अंदर जाएगी फिर हाथ में, ठीक है, अब यहां लगानी बेटा, यहां कहीं बिल्कुल है ये बेटा, ऐसे देखो दोनों अलग अलग आ रही है, देखो यहां तो देखता हूँ ना, अलग अलग है बेटा, अब मैं ऐसे जान लग रहा था इसी थी ए, अब होगी बेटा तो स्ट्रेट आ गई है यहां, तो अब देखो ध्यान से बेटा, अब देखो सारे बच्चे वन बाय वन देख लो बेटा, जल्दी प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, अगर देखो बेटा इसमें देखो यहाँ ये अलग अलग है, पर ना देखोगे ना इस साइड देखो अलग अलग है ना, ऐसे आंधी रो ये सीधी हो जाएगी, यहां आएगी ना बेटा, देखो यहां तो होगी ना, देख बेटा यहां देख, यहां पे हाँ यहां तो ये अलग अलग है, इधर आओगी थोड़ा, हाँ ये इकट एक लाइन में हो जाएगी, हो जाएगी ना, तुम देख रहे हैं, देखो बेटा ए इधर देखोगे अलग अलग है, ये इधर आओगे इकट्ठी होंगी, चल जाओगे एक लाइन में, एक सीध में हो जाएंगी, उसी सीध में लगानी है, नहीं यहाँ दिखा, ये दिखा लग रही है, यहाँ तो सीध में देखो बेटा, इधर देख सकते हो, इधर ये दोनों अलग अलग है ना, इधर अंदर हो दोनों सीध में हो जाएंगी, जहां सीध में जहां अपनी लगानी बस, ये होंगी सीध में, ये हाँ ये वाली सीध में दिख जाएंगी, देख एक मिनट ना, ये देखिए देख बेटा दोनों अलग अलग है, इधर अंदर हो कहीं ना कहीं सीधी है, जहां सीधी हो जाओ डॉक्टर ला जी, समझ गए बेटा, ये जो है एक मिनट है छोरी,
क्या बात है? लगता है सीधी है, चल देखो यहाँ तक देखो, चारों सीधी है, एक लाइन में आ रही दूर दूर टाइम में ऐसे अलग अलग हो रही है, लेकिन वे जो इनकी इमेज है अरे ये वाली हमें बिल्कुल एक लाइन में दिखाई दे रही है। जूम कर ले, छोड़ तो देख ली ना, बस एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट रहे, ये देखो ये पॉइंट नोट कर, ये पॉइंट नोट करया, नोट करने के बाद बेटा इन्हें निकाल लो, ए इस लाइट रेन है जो ये पॉइंट है इन्हें मिला दो सीधा, ए कहीं ना कहीं आगे बेटा स्ट्रेट, लेकिन ये लाइट रे जो है ये भी सीधी जानी चाहिए थी, है ना, जाएगी तो ये उसमें रिफ्लेक्शन होगी ना बेटा इसकी, तो रिफ्लेक्टेड रेज है, लेकिन इसको क्या मिलाना आपने, डॉटेड, क्या मिलाना बेटा, डॉटेड, ए यू आ गई, ए यू पॉइंट है जिसके ऊपर ये मिल गई, ये वाला क्या एंगल ऑफ डेविएशन, ये आ गया बेटा, जानी चाहिए सीधी थी, गई ऐसे, सर ये एंगल ऑफ डेविएशन अंदर बनना चाहिए, अंदर बनेगा, अंदर बनना चाहिए, मीडियम तो अंदर है बेटा, अंदर से डेविएट होनी चाहिए, तो बेटा आप इसने मेजर कर लो कितना यू एंगल ऑफ डेविएशन, कौन करता, कोई भी नहीं जी बेटा, अब मतलब अंदर बनना है एंगल ऑफ डेविएशन तो हमेशा, ये लो बेटा यू आ गया आपका भाई, 40, 45, 40, 47, 48 कितना आया 48, 35, 48 आ गया, आगे कहाँ पे ले आओगे, 40 पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 कर दो, फिर 50 ऐसे कर लोगे ना, हाँ जी।